ले सकते नहीं। ले लो कैसा क्लिप हाथ में लाओ अपना रिकॉर्ड तो रोक कर करो उसमें कहाँ जा रहे हो मेरे साथ नहीं रहने का मन करता तुम्हारा अब कितनी गलत बात है कोल्ड कॉफी कोल्ड कॉफी इनको कोल्ड कॉफी पीना है नहीं मम्मी नहीं जीजू बाबू मम्मी बाबू सो आज की पार्टी का पूरा एंजॉयमेंट बच्चों ने लिया था श्रीनिका और उसकी फ्रेंड ने क्योंकि ये वहाँ पे जो मन कर रहा था इनका वो कर रहे थे लाइक बहुत सारा खेल रहे थे ना तो ये खुद खा रहे थे कुछ और ना हमें खाने दे रहे थे तो बस यही किया इन्होंने आज गेट टुगेदर में क्या खा रहे हो तुम दोनों आइसक्रीम टेस्टी है बाबू टेस्टी है वाव बाबू कोल्ड कॉफी मिली थी पी हो अच्छा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और किचन में आई है किचन में मुझे दूध गर्म करना था तो ये काम मैंने अभी फिनिश किया है दूध गर्म करने का ये हो गया है और आज मेरे पास बहुत सारा काम है बहुत सारा मीन्स बहुत सारा सबसे पहला काम ये है कि अभी मैं जा रही हूँ किचन में और मैंने मलाई इकट्ठा करके रखी थी तो फ्रिज में लेके जाना थोड़ा मुश्किल होगा तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको पहले कर वो ब्लैंकेट के बगल नीचे है देखो 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 बस ब्लैंकेट हट रख दो ठीक है बैठ जाओ तो ये आ गई मलाई मेरी अब बस इसको रख दूंगी मैं धूप में क्योंकि मैं फ्रिजर में रखती हूँ तो ये बिल्कुल हार्ड हो गई है तो इसको रखूंगी मैं धूप में ताकि ये नॉर्मलाइज हो जाए और फिर बनेगी इसका घी एक्चुअली ये मिल्क लेती तो उसमें इतनी मलाई भी नहीं होती थी अभी जब से फुल क्रीम लेने लगे श्रीनिका के लिए फिर तब से अब इतनी मलाई हो जाती है तो इसका घी निकाल देती हूँ तो वो भी यूज हो जाता है तो सफाई वगैरह करनी थी और काम बहुत था तो इसलिए मैंने सोचा आज ब्रंच ही कर लूँगी ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ और आज मैंने लंच में बनाए हैं तरोई की सब्जी नेनुआ बोलते हैं और उसके साथ में रोटी बनाया अचार लिया है मैंने बस तो यही है आज सिंपल सा मेरा ब्रेकफास्ट और श्रीनिका तुमने क्या खाया सुबह 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 क्या खाई थी ब्रेकफास्ट में ओट्स खाए अच्छा बताओ कल कहाँ गई थी घूमने कल शाम को कहाँ गई थी रेशु दीदी के साथ तुमको लो 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 ऐसे बोल रही थी रेशु दीदी तुमको और रेशु दीदी के साथ तुम वो कुल्फी खाई थी क्या कुल्फी खाई थी मम्मी अच्छा मैगी भी खाई थी आज का मेरा काम ये है कि कल शाम को हम लोग ऐसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड है मतलब नीचे भाभी रहती हैं वो और
मेरे लैंडलॉर्ड और हम सब लोग गए थे एक डिनर पे, छोटा सा गेट टुगेदर कह लीजिए, फेयरवेल कह लीजिए, जो भी मतलब उसके लिए गए थे। और आज जाना है हमें एक पार्टी में, किसकी पार्टी क्या ये मैं जाऊंगी फिर आपको बताऊंगी वहां पे, तो उसी के लिए मुझे बहुत सारा काम करना है, इसीलिए आज हम लोग थोड़ा जल्दी नहा भी, तो अभी इसके लिए मुझे मतलब कपड़े भी देखने हैं कि कौन से कपड़े, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से कपड़े रखे हैं और कौन से नहीं रखे हैं, क्योंकि मोस्टली मैं घर जाती हूँ तो जो हैवी साड़ियाँ या हैवी ड्रेसेस होती है वो वहीं रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब इतना कोई पहनना होता नहीं है और मुझे लगता है फालतू में स्पेस कवर करेगा, लेकिन जब इस तरह का ओकेजन पड़ जाता है तो लगता है ये भगवान अब क्या पहना जाए। तो अभी मुझे दीवान खोलना है, वो काम करना है, सब कुछ चेक करना है कि क्या है, मतलब मैं क्या पहन सकती हूँ आज, और कुछ हल्का ही पहनूंगी क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा, कल रात को इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी कि बता नहीं सकती मैं, जो लोग हैं मतलब सभी रियलाइज कर रहे होंगे इस टाइम। तो कहाँ जा रही हो? ट्रेन पे नहीं जा रही हो? अच्छा घूमो, देखे तुम्हारी फ्रॉक, पीछे घूमो, वाओ वाओ बाबू। पापा इतनी देर से हम लोग से कह रहे थे रेडी हो जा रेडी हो जा, और अरविंद की गाड़ी नहीं आई। बस अब हम लोग निकल रहे हैं, बैठ गई तुम? कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठी राइट से निकलेंगे, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं पार्टी के लिए, जैसा मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं रास्ते में आप लोग को बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं, मेरे बड़े पापा हैं उनकी रिटायरमेंट की आज पार्टी है, तो बस वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जाऊँ मतलब घर पे सबसे मिल के आऊँ, बट मेरा टाइम नहीं बन पा रहा था और ना मैं जा पा रही थी श्रीनिका को अकेले लेके, सो इसी बहाने से आज मैं सबसे मिलूँगी काफ़ी टाइम बाद, और लेट्स सी कि क्या होता है। इससे ज़्यादा म्यूज़िक मैं वीडियो में ऐड नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बट वीडियो तो हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं, सो गाइज इन्जॉय द वीडियो। नाना बाबू को और नाना से बात करना है। अच्छा चलो नाना बाहर है ना, चलो आ जा बेटा। आप सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का बहुत ही छोटा सा व्लॉग, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मैं भी अप्रिशिएट हूँ और आगे ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे इस चैनल को ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलती रहें, साथ ही साथ मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है ताकि आपको मेरी लाइफ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।